सीधा बालोद लिए चलते हैं, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। माफ कीजिएगा रक्षा, हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता उस भारत की परंपरा को जिसमें स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होता है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, दो आदिवासी राज्य माने छत्तीसगढ़ और झारखंड। और जिस समय आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य और साथ ही साथ झारखंड और उत्तराखंड बनाया था, उनकी उस मंत्रिमंडल में भूतल परिवहन मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट जिसमें कहते हैं रोडवेज या जो हाईवे वगैरह बनती है, इसका मंत्री कैबिनेट मंत्री में ही था। मुझे याद है कि उस समय जब छत्तीसगढ़ के बनने की चर्चा चल रही थी और झारखंड के और उत्तराखंड के, तो लोग यही कहते थे साहब राज्य इतने छोटे हो जाएंगे, इन राज्यों का विकास कैसे होगा, इनके पास इतने संसाधन कहां हैं। लोगों के अंदर अपने राज्य को ऊंचाई देने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए जो कौशल चाहिए, जो मेधा चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में कहां मिलेगी, झारखंड में कहां मिलेगी। बहुत सारे लोग यही सब तर्क दिया करते थे, लेकिन बहनों भाइयों, जिस विभाजन हो जाने के बाद, और यहां पर पहली विभाजन के बाद डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार 15 वर्षों तक सरकार रही है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, भारत के किसी कोने से आने वाला व्यक्ति जिसने पहले भी छत्तीसगढ़ को देखा था और आज आकर छत्तीसगढ़ को देखता है, तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सचमुच छत्तीसगढ़ में करिश्मा किया। मैं बैठे बैठे भोजराज जी नाक से पूछ रहा था, यह हमारे चंद्राकर जी से, यह सब सारा भवन मैं छत्तीसगढ़ में यह देखने की उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा था कि यह हम लोगों की सरकार आने के बाद ही बना होगा, शायद हम लोगों की सरकार जब 2003 में आई उसके बाद ही बना है ना, उसके बाद ही बना। कितनी तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है बहनों भाइयों। यह विकास जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्यों होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि राजनीति देश बनाने के लिए करती है, इसलिए विकास होता है। आज भी हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, केवल सरकार बनाने के लिए वोट नहीं मांगने नहीं आए, हम देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं मेरे बहनों भाई। 2014 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए थे, और मोदी जी को मैं पहले से अच्छी तरह से मैं जानता था, अद्भुत काल्पनिक क्षमता का धनी,